अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज हम जो अपने किचन में जो रेसिपी बनाएंगे वो है बीफ शामी कबाब। तो चलिए देखिए इसे किस तरह से बनाते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है बीफ, ये हमने लिया है 750 ग्राम। ये गोल गोटियाँ हैं, इसमें हड्डी वाली कोई गोटी नहीं है। और आधा किलो के करीब हमने यहाँ पर चने की दाल ली है, उसे हमने भिगो के रखा हुआ है। और जी ये कुछ साबुत मसाले हैं, जिसमें ये गोल वाली लाल मिर्च है 7-8 दाने, और 4 बड़ी इलायची हैं, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, और ये 1 टीस्पून जीरा है साबुत। 1.5 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून नमक, और बाकी मसाले जो उसमें रह गए हैं वो हम जब ये बना लेंगे हम इसका मसाला तब हम शामिल करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए जी पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने कुकर ले लिया है और कुकर में हम गोश्त डाल देते हैं। आप चाहें तो इसे पतीले में बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो कुकर में ये होता है कि काम जल्दी हो जाता है आपका। गोश्त डालने के बाद हम डाल देंगे दाल, इसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था 3 से 4 दफ़ा। उसके बाद जाएंगे जी हमारे मसाले सारे। और इसके बाद जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, और ये 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं। चलिए जी मसाले सारे डाल लिए हैं, अब इसमें पानी डालते हैं। तो जी पानी शामिल कर देते हैं। तकरीबन हमने इसमें 2 ग्लास के करीब हमने पानी शामिल किया है, थोड़ा सा दाल के अंदर भी पानी था, तो समझे 2 से 2.5 ग्लास आपने इसके अंदर पानी डालना है। तो चलिए जी हमने प्रेशर कुकर लगा दिया है। और फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है, तो अब इसके हम सीटी आने के बाद हम इसको तकरीबन 15 से 16 मिनट या 20 मिनट तक इसको लगाएंगे। तो अभी इसकी सीटी आने दें, फिर आपको दिखाते हैं। तो जी 20 मिनट हो चुके हैं, हमने कुकर को बंद कर दिया है। तो जी ये देखिए हमारा पानी भी ड्राई हो चुका है सारा। अब इसे हम थोड़ा सा और घोल लेंगे ताकि बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो जी देखिए हमने इसे 4 से 5 मिनट तक और भून लिया है, हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब इसे हम पीस लेते हैं हल्का हल्का, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो जी देखिए हमारी सीटी बजना शुरू हो गई है, अब इसे हम तकरीबन 18 से 20 मिनट के लिए बंद कर देंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो जी देखिए हमने इसे इस तरह से मोटा मोटा सा हमने कूट लिया है, और ये दाल भी हमारी बिल्कुल सही तरह से पक चुकी है इसमें। अब इसमें हम प्याज डाल लेंगे, कच्चा प्याज बहुत ही अच्छा लगता है शामी कबाब में। यहाँ हमने 2 प्याज लिए थे और इसे इस तरह बारीक बारीक सा कट कर लिया था। और ये अब डाल रहे हैं हम कटा हुआ धनिया, पुदीना, और ये हरी मिर्च का पेस्ट, तीनों चीज़ें शामिल कर ली हैं। तो अब हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, इसे भी हमने मोटा मोटा कूट लिया है। और अब डालेंगे चिली फ्लेक्स, ये कुटी हुई लाल मिर्चें, तकरीबन ये हमने 1.5 टेबलस्पून डाली हैं। और अब डाल लेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक, नमक हमने पहले भी शामिल किया था, अब दोबारा डाल रहे हैं। तो अब ये 1 अंडा हम इसमें ये डाल देंगे, बाकी मिर्चें आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आप लोग खाते हैं या आप लोगों को पसंद हो। अब इसे हम मिक्स करेंगे। तो जी देखिए हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है सब चीज़ों को। तो हम इसमें
मिक्स करने के बाद नमक मिर्ची चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। जी हमने देखे हाथों पे ऑयल लगा लिया है ताकि मसाला हमारा हाथों पे ना चिपके। तो इसकी हम टिक्कियां बना लेते हैं। जितना शायद आपको पसंद हो उस हिसाब से आप बना लें। हमने देखिए ये साइज बनाया है। अब इसी तरह हम बाकी सब बना लेंगे और सारी बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। तो जी देखिए हमने कबाब बना लिए हैं और इसे अगर आप बनाने के बाद गर्म हो मसाला तो अगर आधे एक घंटे के लिए आप फ्रीजर में रखते हैं तो मसाला अच्छे से सेट हो जाता है और कबाब बनाने में मसला नहीं होता। तो ये देखिए हमने बना लिए हैं, अब इसे हम फ्राई करते हैं। चलिए जी हमने अंडा ले लिया है। अंडे में हमने थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर दी है और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे एक चुटकी के करीब। ये हमने नमक डाल दिया, अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो चलिए जी फ्राई करते हैं। हमने यहाँ पर पैन ले लिया है और उसमें हमने ऑयल डाल दिया है। अब कबाब ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है तो हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए पहला कबाब डालते हैं। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए, ज्यादा जले भी ना। और तो इसी तरह हम सारे डाल लेंगे अंडे में डिप कर करके। तो जी देखिए हमने सारे जितने तवे पे गुंजाइश थी हमने कबाब डाल दिए हैं और अब इसे हम एक साइड से फ्राई होने देंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे तो आपको दिखाएंगे। चलिए जी एक तरफ से कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसकी हम साइड चेंज कर देते हैं। अब दूसरी तरफ से इसको फ्राई होने देते हैं। तो जी देखिए हमारे कबाब दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और जो बाकी के हैं वो डाल लेंगे। तो जी देखिए हमारे सारे कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो आपने भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे और मज़े के। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।